पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए, कई पार्टियों ने ऑफर किए। तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं, जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले एकनेक सीखूंगा वहाँ की, तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने, कितने भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया। इस समय कितने मुकदमे लंबी है, कितने? ऐसा 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। नहीं, हाँ उसमें हमारा हाईकोर्ट से बहाल है, सस्पेंड है। हाँ, और आप आगे की रणनीति देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ। मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है गीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे बीटीसी ग्राम पंचायत से, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से, तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया।